तमाम साथियों को एक बार फिर याली मदद। आज हम इंशाल्लाह एक नए फरमान से इस क्लास का आगाज करते हैं। ये फरमान दस रवानी किताब के अंदर फरमान नंबर 52 है और जामनगर 6/4/1900 का फरमान है, अप्रैल की 6 तारीख 1900। हक मौलाना दनी सलामत दातार आका सुल्तान मोहम्मद शाह हाजिर इमाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। हजरत ईसा एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, उनके असाब उनके हमरा थे। रास्ते में उन्हें शेर मिला, उसके बावजूद वो आगे चले। रास्ते में एक मरे हुए जानवर को देखकर हजरत ईसा ने फरमाया कि उसे जिंदा किया। कई दिनों के बाद एक आदमी उन्हें सामने मिला, उसे देखकर हजरत ईसा फौरन भाग निकले और दूसरे रास्ते से घर गए। असाबाओं ने पूछा कि साहेब, आप शेर से नहीं डरे और इंसान से डरकर क्यों भाग गए? हजरत ईसा ने जवाब दिया कि वो आदमी अहमक नादान था, उसका दिल सियाह था। मेरे फरमान से मुर्दे जिंदा होते हैं, मगर नादान आदमी को मेरे फरमान असर नहीं करते। हर एक मेरे फरामीन मानता है, मगर अहमक नादान मेरे फरामीन नहीं मानता, इसलिए मैं भाग गया। यहाँ पर इस मिसाल के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी एक हिकमत और इल्म छुपा हुआ है। क्या बात है कि एक पैगंबर जिसका इल्म इतना गहरा हो और उसके माजिज़ात इतने गहरे हो कि वो एक मुर्दा शख्स को जिंदा कर दे, एक बीमार को ठीक कर दे, एक मट्टी का पुतला बनाकर एक परिंदे को उड़ा दे, लेकिन एक नादान शख्स से डर कर भाग जाए, क्या वजह हुई? क्योंकि जो नादान शख्स है वो पूरे ग्रुप को, पूरी जगह को, हर चीज को खराब कर देता है अपनी नादानी से। और ना सिर्फ वो अपना वक्त ज़ाया करता रहता है, बल्कि तमाम लोगों का भी वक्त ज़ाया करता रहता है। नादान शख्स के दिल के अंदर ना तो फरामीन बैठेंगे, ना ही कोई ज्ञान की बात, और जब भी वो अपना मुंह खोलता है वो उल फूल बोलता रहता है। हमने सुना है अपनी जुबान के अंदर कि दाना दोस्त नादान दुश्मन, दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर, दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर। तो यहां पर आपने देखा कि एक पैगंबर की मिसाल लेते हुए इमाम ये फरमाते हैं कि अगर आप नादान हैं, और नादान किसको कहा गया कि जो इमाम के फरमान को नहीं सुनता, या सुनता है तो उसको नहीं समझता, या समझता है तो उस पर अमल नहीं करता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब मौला दरबार के अंदर तशरीफ लाते हैं और अगर दरबार के अंदर कोई नादान शख्स बैठा हुआ है तो मौला भाग जाते हैं,
या मौला फरमान नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मिसाल है कि जो नादान शख्स होगा वो इमाम के फरमान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, या जो नादान शख्स होगा वो मौला के फरमान को सुनेगा लेकिन समझ नहीं पाता है वो। और इससे बढ़कर कि वो नादान शख्स होता है कि जो फरमान को सुनता है, पढ़ता है, समझता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उससे बड़ी नादानी क्या होगी किसी की कि वो मेहनत करके फरमान को पढ़े और सुने लेकिन पहले किसी वजह से वो उस फरमान को समझता ही नहीं है। उसकी क्या वजह हो सकती है फरमान ना समझने की? वो ये कि वो शख्स के पास इल्म वो हिकमत नहीं है, यानी कि वो नादान है, वो दाना शख्स नहीं है, इल्म वाला नहीं है, तो वो एक नादान ही की तरह अखबार की तरह फरमान को पढ़ता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। तो यहां पर ये मिसाल देते हुए मौला हमें समझा रहे हैं कि अगर आप फरमान को मेहनत लेकर सुनते हैं और पढ़ते हैं तो पहले आपका काम क्या होगा? उस फरमान को समझना। किस तरह से समझना? इस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोचते हैं, इमाम की अक्ल से, इमाम के अल्फाजों को पढ़ना और समझना, तब जाकर आप उस फरमान पर सही तरह से अमल कर सकेंगे। जिस तरह से नाचीज ने एक एग्जांपल आपके सामने पेश की थी कि जब हम मौला के फरमान को नहीं समझते हैं और अपनी अक्ल दौड़ाते हैं तो कभी कभार हमको ऐसा लगता है जिस तरह से हमने इमाम के फरमान को मानकर एक काम किया है लेकिन उस काम के अंदर सवाब नहीं बल्कि गुनाह हो जाता है। हालांकि हमको क्या लगता है कि हम तो फरमान के मुताबिक चल रहे हैं। और वो मिसाल क्या दी थी हमने, जहां पर मौला के ये दो फरमान हमने सामने रखे थे, एक कि जहां पर मौला फरमाते हैं कि अगर आप अली अल्लाह नहीं कहते हैं तो फिर ऐसा करें आप दुआ ही ना पढ़ें। अब वो शख्स जो कितने भी फरमान पढ़ ले लेकिन वो इमाम को अली अल्लाह नहीं कहता, नहीं समझता, वो उसको इंसान मानता है, अपने जैसा इंसान मानकर गुरूर करता है, अब उसकी दुआ पढ़ना सवाब है या गुनाह है? हालांकि एक दुआ पढ़ना तो कोई सवाब का काम होना चाहिए ना, लेकिन चूंकि हमने इमाम के फरमान के खिलाफ जाकर, जहां पर इमाम ने फरमाया था कि अगर आप अली अल्लाह नहीं कहते हैं तो ऐसा करें आप दुआ ही ना पढ़ें, दूसरा फरमान हाजिर जुमे का फरमान कि अगर आप दुआ की मानी नहीं जानते हैं तो दुआ ना पढ़ें। अब कोई दाना शख्स होगा वो इस बात पर गौर करेगा, क्या गौर करेगा? वो कहेगा कि इमाम कौन सी मानी की बात करते हैं, क्या वो दुआ के ट्रांसलेशन की बात करते हैं, अल्फाजों की मायने की बात करते हैं, या उसके अंदर जो राज छुपे हुए हैं, जो तावीलात छुपी हुई है, जो असल जवहरात छुपे हुए हैं उसके अंदर। इस तरह से दुआ के मानी समझकर दुआ पढ़ने के लिए इमाम ने फरमाया था। तो आपने देखा कि इमाम के फरमान के अंदर कितने माने,
कितने गहरे मानी छुपे हुए होते हैं, उसके लिए क्या जरूरी हो गया कि ना सिर्फ हम फरमान को पढ़ें सुनें बल्कि उसको अच्छी तरह से समझें। और अगर किसी वजह से अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम किसी से पूछ लें ताकि हमारे अंदर कोई भी डाउट शक बाकी ना रह जाए और हम इमाम के फरमान को इसी तरह से पढ़ें और समझकर फॉलो करें, उस पर अमल करें, उसके रास्ते पर चलें जिस तरह से इमाम ने फरमाया है, ना कि जिस तरह से हमने समझा है। यानी हमारे अकले गरीजी से जो हम समझते हैं उसकी बात नहीं है, इमाम की अकले कुल्ली से जो बात है उसकी बात हो रही है यहां पर। आगे मौला फरमाते हैं, नादान दीन का दुश्मन है, फरमान ख्याल में नहीं लेगा वो एमक नादान है, फरमान ना सुने वो नादान है। अब नादान दीन का दुश्मन किस तरह हो सकता है? ठीक है, वो अपनी जगह पर नादान हो सकता है, लेकिन मौला फरमाते हैं वो दीन का दुश्मन है दो तरीके से, कम से कम दो तरीके से, ज्यादा भी हो सकता है दो तरीके से। चूंकि वो खुद नहीं समझा है अपने फरमान को, अपने इमाम के अल्फाजों को, तो सबसे पहले अपने ही हक में नादानी करता है और अपने ही हक में वो अपने दीन का दुश्मन बन जाता है। ऐसा नहीं कि वो बोलकर बन जाता है, वो अपनी एक्शन से, अपने आमाल से, अपनी हरकत से, अपनी जबान से दीन का दुश्मन बन जाता है। फिर जब वो नादान शख्स किसी और से बात करता है तो वो उसको भी दीन से भटका देता है और इस तरह से वो दीन की दुश्मनी करता है, जानकर नहीं, नादानी में, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, विलिंगली नहीं, अनविलिंगली, क्योंकि वो दीन को नहीं समझता। अब इसके अंदर कितने लोगों को हम गिनेंगे कि जो अपने दीन को नहीं समझते, इंशाल्लाह वो अच्छे मोमिनीन जो पूरी तवज्जो से फरामीन को सुनकर, पढ़कर और फिर उस पर तवज्जो कर कर उस पर अमल करते हैं, इमाम की नजर में सिर्फ वही दाना है। और फरमान के साथ साथ जो गिनानों के अंदर, जो हमारे हुदूदे दीन की किताबों के अंदर, जो हमारे इतिहास के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर जो मौला ने हमको समझाया है, चाहे वो किसी भी जामे में हो, जब हम उसको समझते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस फरमान के समझने में इन तमाम रिसोर्सेस से मदद लेते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक फरमान के अंदर तमाम बातें छुपी हुई हो, उस एक फरमान को समझने के लिए कितने सारे रिसोर्सेस की जरूरत होती है। तो एक दाना शख्स क्या करता है, वो तमाम जगह से मदद लेता है और उस बात से नहीं शर्माता कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं नहीं पूछूं। वो तमाम रिसोर्सेस को इस्तेमाल करता है, तमाम जराए को यूटिलाइज करता है ताकि वो इस एक चीज को जो इमाम फरमा रहे हैं उसको समझ सके। तुम बहुत से आदमी मोमिन हो, तुम्हें वाजिब है कि अपना दिल पाक रखो, जो बीमार वो बदन पाक रखे, तुमको जख्म हुआ हो तब किस तरह से इत्तेआद से मरहम पट्टी करते हो। अब हमारे लिए सवाल यहाँ पर है कि क्या यहाँ पर इमाम हमारे जिस्म की बीमारी की बात करता है
या हमारे जिस्म पर लगने वाले जख्म की बात करते हैं या मौला मिसाल देते हैं। याद रखें कि फरामीन जो है उसमें मौला हमें मिसालों से अलहदा अलहदा चीज़ समझाते हैं, मिसालों से, और हमको मिसालों के अंदर नहीं फंसना है, हमको उसका ममसूल, ममसूल कहते हैं एसेंस को, उसके जौहर को, उसके असल को, तो मिसालों से नहीं बल्कि हमको ममसूल को पकड़ना है और ममसूल से उसको समझना है, यानी कि उसकी तह तक पहुंचना है। चूंकि हमारी रूह जो है उसको अगर अच्छा खाना नहीं मिलता है, रूह का खाना क्या है? तस्बीहात, गिरियाउजारी, इबादत वगैरह, ये रूह की गिजा है। जब रूह को पूरी गिजा नहीं मिलती है तो क्या होता है? रूह बीमार हो जाती है। पहले हम बीमारी की बात करेंगे फिर जख्म की बात करेंगे। रूह बीमार हो जाती है। जिस तरह से अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फौरन से दो काम करते हैं, एक कि हमारे खाने पीने की चीज़ों पर इताहत करते हैं, दूसरा हम डॉक्टर को दिखाते हैं, और इसके बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाइयाँ देता है, उसके ऊपर चलते हैं, ना कि अपनी मर्जी से। इसी तरह से जब रूह बीमार हो जाती है तो सबसे पहले हमको कॉशस होना चाहिए, फौरन से ख्याल करना चाहिए कि हमारी रूह बीमार हो गई है, मैं किस तरह से उसकी दवाई करूं, कौन से खाने को रोक दूं और कौन सा खाना खाने लगूं। आप बोलेंगे अजीज भाई सबसे पहले मेरे को यही पता नहीं है कि मेरी रूह बीमार है कि ठीक है, मुझे कैसा पता चलेगा मेरी रूह बीमार है? इसके तरीके हैं जो हमारे दाइयों ने, हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने, अंबिया और औलिया ने हमको सिखाए हैं। रूह की बीमारी का पता कुछ तरीकों से होता है, जिस तरह से डॉक्टर थर्मामीटर यूज करता है, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, डॉक्टर एक्सरे लेता है, डॉक्टर ब्लड चेक करता है वगैरह वगैरह से वो आपकी अंदर की बीमारियों को देखता है, उसकी खोज लगाता है और मालूम करता है कि आपको क्या बीमारी है। इसी तरह से आप अपनी रूह की बीमारियों के लिए अलहदा अलहदा चीज़ों से पता कर सकते हैं। नंबर वन, अगर किसी दिन आपको बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ये आपकी फिजिकल इम्बेलेंस भी है, लेकिन उससे बढ़कर आपकी रूह की बीमारी की तरफ एक इशारा है। नंबर दो, आपके ख्वाब खराब हो जाते हैं, यानी कि जो आप रात को सोते वक्त ख्वाब देखते हैं, अगर आपके ख्वाब खराब है यानी कि अच्छे नहीं है, मिसाल के तौर पर ख्वाब के अंदर आप गंदा पानी देखते हैं, ख्वाब के अंदर आप गिर जाते हैं, ख्वाब के अंदर आप चल नहीं सकते हैं, ख्वाब के अंदर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, ख्वाब के अंदर आपकी गाड़ी के पुर्जे खराब हो जाते हैं, आप गाड़ी चला नहीं पाते हैं, आपको हैरत होगी इस बात को सुनकर कि इसका ताल्लुक आपकी रूह से है, इसका ताल्लुक आपकी रूह से है, हमारे ख्वाब का ताल्लुक। नंबर तीन, आपके ख्यालात खराब हो जाते हैं, यानी कि आप इधर उधर की बेकार बातों को सोचने के अंदर मसरूफ हो जाते हैं और किसी वजह से इमाम की याद आपसे खो जाती है, आप समझ जाना कि आपकी रूह बीमार है। और रूह की बीमारी का इलाज क्या था? इमाम की याद। ये वक्त नहीं है कि आप फरमान की किताब उठा के बैठ जाएं,
क्योंकि फरमान को पढ़ने के लिए पहले आपकी रूह को ताजा होना पड़ेगा, तंदुरुस्त होना पड़ेगा, पहले उसकी दवाई करनी होगी। उसका जो इलाज है वो तजबियात है, याद इलाही है, गिरियाओ जारी है, माफी है, सजदा करें, सलवात पढ़ें, माफी मांगें कि या मौला मुझसे गलती हुई है, हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि क्या गलती हुई है, लेकिन जरूर गलती हुई है और मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देना चाहता हूं यहां पर, आप उसको गौर से सुनना। जब इब्लीस ने आदम को सजदा करने से मना किया और खुदावन ताला ने कहा कि किस बात ने तुझे ये गुरूर दिलाया, इंस्टेड ऑफ जो उसको करना चाहिए था वो क्या करना चाहिए था, उसको माफी मांगनी चाहिए थी कि या रब मैंने गलती जो की है वो हो सकता है कि जानबूझ के ना की हो, मेरी अकले गरीजी से, मेरी कम अकली से, मेरी नादानी से गलती हुई है, तू मुझे माफ कर दे, तो खुदा उसको माफ करता। लेकिन उसकी बजाय उसने तकरार किया, तकरार आर्गुमेंट को कहते हैं, खुदा से आर्गुमेंट करने लगा कि मैं आग से बना और ये मट्टी से बना है, और वो अपनी नादानी में एक फरिश्ते से शैतान बन गया और जन्नत से गिर गया। उसकी जगह पर देखें आप कि जब आदम ने अनाज खा लिया और खुदा ने कहा कि क्या वजह हुई कि तूने मेरे फरमान को नहीं माना, तो आदम ने क्या किया, फौरन से कहा या खुदा मैं ही अपनी नफ्स के खिलाफ झूठा हूं और दुश्मनी की है, मेरी गलती हुई है, तो मुझे माफ कर दे। और उसके देखे इसके बदले में खुदा क्या करता है, खुदा कहता है कि लो कुछ और उसको बोल दिए, कुछ उसको और इसमें आदम सिखाए, उसको ढेर सारा इल्म दे दिया। देखा आपने किसी मिसाल है ये, गौर से सोचें कि जब हम अपनी रूह की बीमारी को लेते हैं तो उस वक्त हमको फौरन से माफी मांगकर सजदा करना चाहिए, जिससे ही हमें पता चले कि कुछ गलती हो गई है। कोई बात नहीं है, आंखों के अंदर दो चार आंसू भी बहा लें, रोने में कोई मजाक नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम इमाम के प्यारे बच्चे हैं और बच्चे तो रोते हैं और रोकर माफी मांगते हैं, हमको इसमें क्या शर्म है, इमाम के सामने दो आंसू बहाने में क्या मसला है हमको। इंशाल्लाह हम मौला के अच्छे प्यारे मोमिनीन हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं, हम इस बात को समझ गए मेरे ख्याल में, अब उसको दोहराने की जरूरत शायद नहीं होगी। हम आगे चलते हैं, जब तुम्हारा दिल बीमार हो जाए तब बहुत इत्तेहाद करना। ये इत्तेहाद करना, परहेजगारी करना, ख्याल करना, यही बात जो अभी हमने की कि जब हमारी रूह बीमार हो तो बहुत ही ख्याल से उसका इलाज करना, फौरी इलाज करना, उसमें आप ज्यादा वक्त नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हमारी रूह बीमार और ज्यादा बीमार हो जाएंगी। जख्म की बात भी थी कि कभी कभार हमारी रूह बीमार नहीं लेकिन जख्मी हो जाती है। रूह जख्मी कैसा होती है मेरे भाई, वो कोई जिस्म तो नहीं है कि जख्मी हो जाए, वो तो रूह एक ओमनी प्रेजेंट है, एक अनसीन चीज है, वो किस तरह से जख्मी हो सकती है, लो इस तरह से जख्मी होती है कि जब हमारे दिल के अंदर कोई इल कॉन्सेप्ट, गलत नजरिया आ जाता है मजहब के बारे में, फरमान के बारे में
या इमाम के बारे में, गलत नजरिया, इल कॉन्सेप्ट। जब ऐसी कोई बात हमारे कानों के अंदर पड़ती है, खुदावन ताला कुरान के अंदर सूरे मरियम के अंदर फरमाते हैं कि ए मरियम, चूंकि तूने अपने कानों की हिफाजत की है और किसी गैर के इल्म को अंदर नहीं आने दिया है, इस वजह से मैं अपनी रूह, अपना नूर तुझ तेरे अंदर फूंक देता हूं। लेकिन हम इंसान हैं, कभी कभार हमारे कान खुले रह जाते हैं, हम अपने कानों की हिफाजत नहीं करते हैं जिस तरह से मरियम ने की थी, और उस कानों के दरवाजे से विस्पर्स, शैतान के वसवसे, इल कॉन्सेप्ट, गलत नजरिया हमारे अंदर आ जाता है, चाहे वो फिर एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। अब वो हमारे अंदर आकर हमारी रूह को जख्मी कर देता है। अब इस जख्म के ऊपर जो मरहम पट्टी करनी है, अब इस जख्म के ऊपर जो मरहम पट्टी करनी है वो किसकी चीज की होगी? देखिए, पहले हमने रूह की बीमारी का इलाज बताया, अब यहां पर रूह के जख्म की मरहम पट्टी की बात हो रही है। मरहम पट्टी जो है वो इल्म से होती है। अब आपको इल्म की जरूरत होगी ताकि उस इल कॉन्सेप्ट को जो आपके अंदर दरवाजा खुला होने की वजह से आ गया था, उसको निकालने के लिए जो मरहम पट्टी है वो इल्म है। अब आपको इल्म की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो उस मरहम पट्टी करने का माहिर हो, जो एक्सपर्ट है, उसके पास जाना पड़ेगा कि आप मेरे दिल के अंदर जो गलत कॉन्सेप्ट आ गए हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो हमने अपने माजी की सेशंस के अंदर सीखा है। आपको सवाल पूछना होगा, आपको पूछना होगा कि ये बात जो मेरे दिल में आ गई जिसकी वजह से मेरी रूह जख्मी हो गई है, आप उसको दुरुस्त कर दें, आप मुझे समझा दें, मुझे सिखा दें और मेरे दिल की मरहम पट्टी कर दें, मेरे रूह को जो जख्म लगा है उसको ठीक कर दें। उसके लिए इल्म की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा, बीमारी के लिए तजवियात और जख्म के लिए इल्म। इस तरह से हम अपना ख्याल कर सकते हैं इंशाल्लाह। खुदा ना करे कि तुम्हारे दिल में जख्म हो जाए। देखा, इमाम कितनी गहराई से तवज्जो दिलाते हैं कि खुदा ना करे कि आपके दिल में वसवसे आ जाए, खुदा ना करे कि आपके दिल में गलत कॉन्सेप्ट्स जगह ले लें। इमाम हमारे लिए फिक्रमंद है, क्योंकि इमाम जानते हैं कि हम अपने कानों की हिफाजत नहीं करते हैं, हम अपने कानों के दरवाजे खुले छोड़ते हैं। एक फरमान में हमने पढ़ा था कि एक मोमिन शख्स सिर्फ मोमिन की दोस्ती करता है, एक अच्छा आदमी अच्छे आदमी की दोस्ती करता है। क्योंकि बुरे ख्यालात किससे आते हैं? दो लोगों से आते हैं, या तो वो मोमिन शख्स नहीं होगा या वो नादान शख्स होगा। तो ना तो आप ना मोमिन की दोस्ती करें और ना ही नादान की दोस्ती करें, तो फिर आपका रूह, आपका दिल कभी भी जख्मी नहीं होगा इंशाल्लाह। आदमी शैतान और मलाइक बनता है, उसके बारे में कल तमाम फरामीन किए हैं। दिल का जख्म वो शैतान है, आपने देख लिया कि दिल का जख्म वो शैतान है, यानी कि वो शैतान के वसवसों से आता है। यहां पर कोई सोच सकता है और पूछ सकता है कि भाई हमें कैसा पता चले कि शैतान
क्या शैतान हमको दिखेगा? याद रखें मेरे भाई बहनों कि शैतान भी इंसानी शक्ल में होते हैं। शैतान दो किस्म के हैं, इंसी शैतान कहते हैं, ह्यूमन शैतान, जिन्नी शैतान, अनसीन शैतान। जो इंसी शैतान है वो हमारे अरीब करीब ही होते हैं इंसान की शक्ल में। जो जिन्नी शैतान है वो वसवसों की सूरत में हमारे अंदर होते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर का जिन्नी शैतान है वो काम नहीं कर सकता है जब तक के उसको इंसी शैतान शे ना दे, उसको चाबी ना लगाए, उसको इशारा ना कर, तब तक वो काम नहीं कर सकता है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि शैतान तो बेचारा बहुत गरीब है, कमजोर है, एक मच्छर की तरह, एक जोर से अगर आप हाथ पटकेंगे तो वो मर जाता है बेचारा। मेरे नजदीक शैतान की बस इतनी ही औकात है। लेकिन जो इंसी शैतान है, जो हमारे दरमियान में इंसानों की तरह रहते हैं, कभी कभार माफी के साथ हमारे दोस्त भाई बहन और हमारी फैमिली के अंदर ही होते हैं, और वहीं से हमको हमारे कानों के अंदर वसवसों का तूफान आता है, और फिर हमारे अंदर जो जिन्नी शैतान है उसको चाबी मिलती है, और वो हमारे दिल के अंदर एक शेर की तरह, एक हाथी की तरह बन जाता है। एक छोटे मच्छर से एक हाथी बन जाता है वो। तो हमें ख्याल करना चाहिए। मौला क्या फरमाते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं हम, आदमी शैतान और मलाइक बनता है, उसके बारे में कल तमाम तुम्हें फरमान किए हैं। दिल का जख्म वो शैतान है, दिल में जख्म हो तो उसकी हिफाजत करो। आप समझ गए यहां पर जो जख्म की बात हो रही है। उसकी जल्दी मरम पट्टी करो ताकि सही हो जाओ, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो खराब होकर गोश्त को खा जाएगा। ये बात चूंकि हमने पहले से ही समझ ली है तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा से इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ गए कि जख्म क्या है, उसकी मरम पट्टी क्या है, और अगर हम मरम पट्टी नहीं करेंगे और जल्दी से इल्म से इस इल कॉन्सेप्ट को नहीं दुरुस्त करेंगे तो वसवसा बड़ा होते होते हाथी की तरह हो जाएगा। हमारा कहने का मकसद यह है कि जो आदमी बेईमान हो जाता है वो जख्मी है। बेईमान किस तरह हो जाता है? इसका ईमान किस तरह से चला जाता है? क्योंकि उसके अंदर मजहब के बारे में गलत वसवसे आ गए, जिसको हम इल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इब्तिदा ही से उसका इलाज नहीं करोगे तो आस्ते आस्ते दिल को खा जाएगा, जिससे बहुत नुकसान होगा। मोमिन को वाजिब है कि वो अपना बहुत ख्याल रखे। ईमान एक बेमिसाल ज़वेर है। ईमान का जो बरक्स है वो शक है। ईमान यकीन है और उसका अपोजिट, उसका बरक्स वसवसा है। ईमान तुम अभी नहीं समझते मगर मर जाओगे तब फायदा का सही एहसास होगा। जवाहरात को ना पहचाने तब तक कदर नहीं होगी, मर जाओगे तब एहसास होगा। अब यहां पर हमें जाहिर को छोड़कर एक मिनट के लिए अपने बातिन के अंदर उतरना होगा। क्यों? कि हमको अब वो बात समझनी है जो हमको मरने के बाद समझ में आने वाली है। हमारे हाथ में दो रास्ते हैं, दो चॉइस है हमारे पास। या तो अब अभी हम समझ जाए या मरने के बाद समझे हमको क्या करना है, हम क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो मौला के जवाहरात हैं, मौला का इल्म है,
मौला का जो इसमें आज़म है, मौला की जो दुआ आशीष है, वो इसी ज़िंदगी के अंदर समझकर और इमाम के अंदर इसी ज़िंदगी में रहते हुए एक हो जाए। क्योंकि जब बाद में अगर समझना होगा तो वो तकलीफ देह होगा। तो चलो हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि बात बातिन की है तो उसको इशारों और कनाइयों के अंदर रखकर समझानी होगी। इशारों कनाइयों का क्या मतलब है कि इसको सिर्फ मिसालों से हम समझेंगे, क्योंकि बात जाहिर की नहीं, बात बातिन की है। जब एक शख्स मर जाता है और अगर उसने दुनिया के अंदर कोई गुनाह किए हैं या दुनिया के अंदर किसी बात को नहीं समझा है, इमाम को, इमाम के फरमान को नहीं समझा है और इमाम के फरमान पर अमल नहीं किया है, और किसी वजह से उसका पलड़ा गुनाह की तरफ बारी और अच्छाई की तरफ कम है। अब ये बात आपको सुननी है और अपने दिल में रखनी है कि जैसा ही मौत का वक्त आता है, उससे 3 सेकंड कबल, मौत के वक्त से 3 सेकंड कबल हमारे लिए इस दुनिया के अंदर 3 सेकंड ऐसे हैं जैसा 1, 2, 3, ये 3 सेकंड खत्म हो गए। लेकिन जो शख्स मौत से गुजर रहा होता है उसके लिए ये 3 सेकंड पूरी जिंदगी के बराबर होते हैं। पूरी जिंदगी यानी कि 100 साल के बराबर होते हैं। ये आखिरी घड़ियां पूरी जिंदगी के बराबर होती है, और इसी 3 सेकंड के अंदर उसको हर बात रोशन कर दी जाती है। वो एक ऐसे मकाम पर खड़ा होता है जो जिंदगी और मौत के दरमियान का मकाम है, और उस मकाम के ऊपर उसके आगे से यानी कि उसकी रूह के आगे से, उसकी दिल की आंखों के आगे से दुनिया का और जिस्म का और वक्त का पर्दा हटा लिया जाता है, और उस वक्त उसको हर बात समझ में आ जाती है, और वो समझ जाता है कि क्या उसने सही किया, क्या उसने गलत किया, कौन सी बात उसने समझी थी और कौन सी बात उसने नहीं समझी थी, कौन से फरमान को उसने अपनी अकल दौड़ा कर समझा था और कौन से फरमान को उसने इमाम की अकल और इमाम के इल्म और इमाम की हिदायत से समझा था, क्या सही था क्या गलत था, ये बात उसको समझ में आ जाती है। मेरे ख्याल में इतना ही मेरा कहना, इतना ही इशारा आपके लिए काफी है। अगर इस मौत से हम या इस मौत के तजर्बे से हम इस दुनिया में गुजर जाए तो क्या बात होगी। क्यों कि इस मौत से गुजरने से क्या होगा, हमारे दिल के आगे से, हमारी दिल की आंखों के आगे से वो पर्दा 3 सेकंड के लिए हट जाएगा और तमाम हकीकत हम पर रोशन हो जाएंगी। एक हदीस के अंदर हमने सुना है, बारहा सुना है, मूतु कबला अंता मूतु, मरने से पहले मरो। एक जगह पर कुरान में खुदा ताला फरमाते हैं हर शख्स को मौत का मजा चखना है। क्या बात होगी अगर हम इसी दुनिया में एक बार 3 सेकंड के लिए मौत का मजा चख लें। इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है कि 3 सेकंड के लिए हम पर तमाम बातें रोशन हो जाएंगी, हम तमाम बातों को समझ जाएंगे, अब हमारे और इमाम के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा, हम बातों को उसकी हकीकत से समझेंगे, ना कि हमारी अक्ले गरीजी से। अक्ले गरीजी कहते हैं वो अक्ल
जिसको नीड है, जिसको जरूरत है अकले कुली की, इमाम की अकल की जरूरत। हमारी अकले गरीजी अकले कुली से डायरेक्टली मिलकर तमाम बातें इन 3 सेकंड्स के अंदर जो जिंदगी के बराबर है वो समझ जाएंगी। यहां पर मौला इस लाइन के अंदर हमको ये फरमा रहे हैं, खाली पढ़ लेने से फरमान ये बातें हमारी समझ में नहीं आती है, इसलिए जरूरी क्या हो गया कि हम इल्म व हिकमत के साथ फरामीन को पढ़ें और उसकी गहराई के अंदर उतरें। गहराई के अंदर दोबारा हम आते हैं, तुम अभी नहीं समझते मगर मर जाओगे तब फायदे का सही एहसास होगा, जब रात को ना पहचानने तब तक कदर नहीं होगी। देखा आपने, जवाहरात को नहीं पहचाने के तो कदर नहीं होगी, और जवाहरात को कैसे पहचाने वो 3 सेकंड से गुजर कर समझे, मर जाओगे तब एहसास होगा। मौला हमको नहीं कहते हम मर जाएं हमेशा के लिए फिजिकली, अगर आप एक मर्तबा मरने के इस अमल से गुजरते हैं तो हमें एहसास होगा और इंशाल्लाह हम इसके अंदर से गुजर कर तमाम बातों को समझने लगेंगे। फरमान होते हैं इस पर अच्छी तरह तवज्जो और ख्याल रखो। पैगंबर के दौर में कई लोग पैगंबर से दुश्मनी करते थे, हजरत अमीरुल मोमिनीन और पैगंबर को काफिर बुरा भला कहते थे, मोमिन थे उन्हें बहुत ही एतकाद था। अब यहां पर मौला हिस्ट्री से हमें एक बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, ये पैगंबर के जमाने की या अली मुर्तजा के जमाने की बात नहीं है, ये हर जमाने की बात है कि अक्सरियत मेजोरिटी लोग नादान और जाहिल होते हैं, और ये नाचीज नहीं कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये कुरान के कुलियात के अंदर से है। अगर आपको देखना है तो आप कुरान को खोल कर देखें और वर्ड मेजोरिटी को, अक्सरियत को निकाल कर देखें तो आपको ये मिलेगा, अक्सर लोग जाहिल है, कम लोग इल्म और अकल वाले हैं। दिस आर टू ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान, ये कुरान के 2 प्रिंसिपल्स हैं, अक्सर लोग जाहिल हो गए, कम लोग इल्म और हिकमत वाले हो गए। यही मिसाल मौला यहां पर फरमान से दे रहे हैं कि जो जाहिल हो गए, बेईमान हो गए, उसको कभी भी पैगंबरों पर, इमामों पर, मोमिनों पर, इल्म के ऊपर, फरमान के ऊपर यकीन नहीं होगा, और ये लोग हमेशा मेजोरिटी में हो गए। यहां पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि खुदारा बराए प्लीज कभी भी आप ये ना कहें कि चूंकि सब करते हैं इसलिए मैं करता हूं। कभी भी ये अल्फाजों को अपनी जबान पर ना लाएं कि मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि सब करते हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो आप क्या कहते हैं पता है, कि मैं अक्सरियत में से हूं, आई एम इन द मेजोरिटी, और मैं जाहिल हूं, मैं नादान हूं, आप ये कहते हैं। क्यों अपने आप को नादानों के साथ गिनाते हैं, मिलाते हैं? कभी भी ये अल्फाज अपने जबान से ना लाएं कि चूंकि सब करते हैं इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि अक्सरियत जाहिल है। हमेशा वो एक ये कुलिया है, पांजी कर तो सांझी थिए, अपने रूह की फिक्र करो ताकि आप अपनी मंजिल पर वक्त पर पहुंचो, इसका मतलब ये होता है।
ये हमारे जमाने में हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, सिंधी का वर्ड है ये, पांजी कर तो सांझी दिए, अपने रूह की फिक्र करो तो असल मकाम पर पहुंचोगे। अच्छा, तुम जमात भी हमारे असाब हो। असाब कहते हैं कंपेनियन को। अगर मौला हमको अपना कंपेनियन, अपना फ्रेंड, अपना वली कहता है, इमाम अगर हमको अपना असाब, अपना कंपेनियन और अपना वली कहता है, तो आपका दर्जा क्या हुआ पता है आपको? हम दुआ में पढ़ते हैं अली वली उल्लाह, कि अली मुर्तजा खुदा का दोस्त है, और अगर अली जमान, अली अल्लाह, इमाम अगर हमको कहता है कि तुम हमारे असाब हो, तो ये मौला की कितनी बड़ी नवाजिश हो गई हम पर, कि मौला कहता है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं और तुम मेरे दोस्त हो, तो दोस्त का दोस्त तो दोस्त ही होता है। ये बहुत बड़ा टाइटल है वलीउल्लाह का, बहुत बड़ा आनर है हम गरीबों पर, हमारी गरीब रूहों पर इमाम की बहुत बड़ी नवाजिश है कि मौला हम गरीबों को अपना दोस्त, अपना असाब कहता है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अल्फाजों को भी समझते हो, उसकी गहरी मानों को रेफरेंसेस के साथ समझते हो। पैगंबर के तमाम असाबों ने घर बार छोड़ दिया था, पैगंबर के हमरा जाने के लिए मक्का से घर बार को तर्क किया था, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया और तमाम चीज़ों छोड़कर मदीना में हज़रत अली के पास आए और पैगंबर के हुजूर में पेश हुए, तुम भी इसी तरह फरमान पर चलो। अब यहाँ पर हमको कोई नहीं कह रहा है कि अपने घर बारों को छोड़ दें, अपने गांव को छोड़ दें, हमको ये नहीं फरमा रहे मौला। मौला क्या फरमाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने दुनिया को छोड़ा था, दुनिया को छोड़ा था, दुनिया की लालच को छोड़ा था, दुनिया के माल को छोड़ा था, दुनिया के बाल बच्चों को छोड़ा था, और वो अली के हुजूर में पहुंचे थे, इस तरह से आप भी दुनिया की लालच को दिल से निकाल कर हिजरत करो, किस तरफ? इमाम की तरफ, इमाम की तरफ आप जाएं, अली जमान की तरफ जाएं, अपने दिल से दुनिया को निकालें, दुनिया की लालच को, दुनिया के प्यार को छोड़ें और इमाम की तरफ जाएं। मौला ऐसी ऐसी हमें मिसालें देता है कि कभी कभार हम उन मिसालों के अंदर फंस जाते हैं और कहते हैं कि ये मिसाल हमारे लिए नहीं है, ये मिसाल तो और किसी के लिए है, जबकि फरमान हमारे लिए है, फरमान हम पढ़ रहे हैं, फरमान हम सुन रहे हैं, तो ये फरमान हमारे लिए हुआ, ना कि किसी और के लिए। लेकिन मिसाल थी किसी और की, हमें समझाने के लिए। इसलिए इमाम ने जब फरमाया अपने 1968 के फरमान में कि आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको पास्ट का इल्म भी होना चाहिए ताकि आप हिस्ट्री से भी कुछ सीख सकते हैं, आखिरी की दो तीन लाइनें को पढ़ते हैं, इंसान दुनिया में मुसाफिर है, तुम्हारा असल घर आखिरत में है। आप तमाम इस बात को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं और पहली मर्तबा सुन रहे हैं, ये भी बहुत ही अजीब और गरीब राज है इमाम का, कि हमारी रूह का जो सफर है वो 50,000 साल का है। हमारी रूह का सफर 50,000 साल का है,
उस 50,000 साल में ये 100 साल जो हमारी इस जिस्म के साथ है उसकी मिसाल बस इतनी है जितना एक आदमी सुबह को घर से निकलता है और शाम को घर पर लौट आता है, बस उसकी ये मिसाल है। ये 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी है एक मुसाफिर की तरह। अकलमंद मुसाफिर होगा वो रास्ते के अंदर नहीं बैठता है बल्कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि रास्ता चलने के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम पर अगर हम हैं तो फिर हमको चलना चाहिए कि बैठ जाना चाहिए? रास्ता चलने के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। इसी तरह से दुनिया एक रास्ता है और इस दुनिया में हम टेम्पररी एक मुसाफिर है और हमको अपने असल मकाम पर पहुंचना है। अब चॉइस हमारे पास है कि हम 50,000 साल के दायरे के अंदर ये रास्ता काटते हैं या इमाम के फरमान से शॉर्टकट लेते हुए एक ही जिंदगी के अंदर, एक ही 100 साल के जिंदगी में इन 4 दिनों के अंदर हम एकदम से इमाम के असल में वासिल हो जाते हैं एकदम से। ये हमारे हाथ में है, हमको कोई जबरदस्ती नहीं करता है। हमारी मर्जी है कि हम 50,000 साल के रास्ते पर चले या हमारी मर्जी है कि हम 4 दिन के रास्ते पर चलते हुए अपने घर पहुंच जाए। ये हमारे हाथ में है। दुनिया तो फानी है, उसमें कोई फायदा नहीं। मर जाओगे तब 2 गज जमीन मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो यहां पर हम इस फरमान को रोकते हैं और यहां पर हमारे पास कुछ अभी 8-10 मिनट है कमेंट्स एंड क्वेश्चन के लिए। तो जो भी साथी किसी बात को ना समझाओ या पूछना चाहता हो, फर्दर डिटेल की जरूरत हो, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जी, जो भी पहल करना चाहे। मौला अली मदद। हाँ, मैं बोलती हूँ। तो आपने बोला ना अपने घरे जी अपने कुल को, तो वो आपने के अपन को ऐसे नजरे नजर देख सकेंगे 3 सेकंड में, कैसे करेंगे अपन जी? बहुत अच्छा सवाल है आपने ये पूछा। तो आपने एक्चुअली 2 चीजों को एक साथ पूछ लिया है यहाँ पर, अकले गरीजी और अकले कुली। हमारी अकल के 2 सिरे हैं, इसी तरह से हमारी रूह के भी 2 सिरे हैं। हमारी जो रूह के 2 सिरे हैं उसको रूह सिफली और इमाम की रूह जो हमारी रूह का ऊपर का हिस्सा है उसको रूह उल्वी कहते हैं। रूह सिफली यानी कि लोअर सोल, रूए उल्वी यानी कि हायर सोल। उसकी मिसाल जो है मेरी बहन वो एक लकड़ी की तरह है। एक लकड़ी का पीस देखें आप, एक डांडिया होता है ना हमारे हाथ में, डांडिया लकड़ी का पीस, उसको देखें, उसका एक नीचे का हिस्सा है एक ऊपर का हिस्सा है। लेकिन आप उसको दूर से देखें वो दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना, बस एक ऊपर का हिस्सा है एक नीचे का हिस्सा है। इसी तरह से हमारी रूह सिफली लोअर सोल वो उस लकड़ी का नीचे का हिस्सा है और रूह उल्वी वो हमारी लकड़ी का ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये रूह की मिसाल। अब अकल पे आ जाए, इसी तरह से अकल गरीजी द नीडी इंटेलेक्ट इंग्लिश के अंदर, जरूरतमंद अकल उर्दू के अंदर, और अकल कुल जो इमाम की अकल है वो भी एक लकड़ी की मिसाल पर है।
इमाम अपने हाजिर जुमे के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के अंदर कराची के अंदर फरमाते हैं कि हमारी जो अक्ल है वो एक तरफ से यहाँ पर भी है और एक तरफ से वो अपने ओरिजिन यानी कि अकल कुली के साथ मिली हुई है और उसके ऊपर अकल कुल से हिदायत का जरिया जो है ना वो जारी वो सारी है, उसके ऊपर डिसेंड करता रहता है, उसके ऊपर उतरता रहता है, क्योंकि ये लकड़ी की मिसाल पर है ना। लेकिन जब अकल गरीजी जो नीचे है वो अगर इबादत बंदगी के साथ यहाँ अपने बेतुल ख्याल के अंदर, मैं तो जोर दे के कहता हूँ आप इशारों को पकड़ना, बेतुल ख्याल के अंदर जब वो 3 सेकंड के लिए मर जाता है तो ये रूह और ये अकल, ये रूह सिफली और ये अकल गरीजी, वो रूह उल्वी और अकल कुल्ली से मिल जाती है 3 सेकंड के लिए, और उसके मिलने की वजह से हमारे दिल के ऊपर से पर्दा जो है हमारे आंखें खुल जाती है और तमाम हकीकत समझ में आ जाती है। इसके बाद हमारे अंदर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल बाकी नहीं रहता है। क्यों? कि अब हमने डायरेक्टली अकल कुल से वो सीख लिया जो हमको सीखना था और रूए उल्वी से वो देख लिया जो कायनात के अंदर हमको देखना था। तो ये एक बहुत बड़ा राज है बातिन का, रूहानियत का, जिसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप इशारों के अंदर समझ गए कि यहां पर क्या बात हो रही है। जी बहुत अभी आपने जो समझाया, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमाम का हकीकी इल्म है, शुक्र मौला का कि उसने हम गरीबों को इस इल्म से नवाजा। थैंक यू फॉर एस्किंग क्वेश्चन, बहुत नवाजिश। और कोई एक सवाल है जो 50,000 साल की बात की है तो उसका ज्यादा डिस्क्राइब करें। जी सकीना ने पूछा कि हमारी रूह का जो सफर है उसकी मिसाल एक घड़ी के ऊपर है। आप एक घड़ी की तरफ देखें, अगर आपके सामने कोई घड़ी है घर के अंदर तो उसकी तरफ देखें, आप नीचे देखें 6 नंबर है और ऊपर 12 नंबर है। हम आज 6 नंबर पे खड़े हुए हैं, हमारी मर्जी है कि हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 12 पर पहुंचें, यानी कि हम ये रास्ता इख्तियार करें जिसके अंदर 50,000 साल लगते हैं रूह को ऊपर चढ़ते 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 50,000 साल दरकार होते हैं। और एक और रास्ता है जो एलिवेटर का रास्ता है, एलिवेटर क्या कहते हैं एलिवेटर को, ये गुजराती है उर्दू में लिफ्ट, जी एक और रास्ता है, यहां तो आप सीढ़ी लेके चढ़े जो 50,000 साल की सीढ़ी है, यहां तो आप लिफ्ट को पकड़ लें और 6 से सीधा ऊपर 12 के अंदर पहुंच जाए। अगर आपने लिफ्ट पकड़ी तो आप एक ही जिंदगी में इसी 4 दिन के अंदर इसी 100 साल जिंदगी में 6 से 12 आपके असल मकाम पर पहुंच जाएंगे। और ये लिफ्ट सिर्फ वो मोमिन ले सकता है जिसको इल्म हो कि यहां पर लिफ्ट लगी हुई है, जिसको पता हो कि लिफ्ट कहाँ है, जिसको लिफ्ट का एड्रेस पता हो, जिसके पास इल्म होगा वो पहुंचेगा। आप एकदम से चौंक जाएं, आप चौंके इस बात पर कि मैंने नहीं कहा जिसके पास इबादत होगी वो वहां पहुंचेगा, मैंने ये नहीं कहा, आप चौंके इस बात पर
कि मैंने नहीं कहा कि आप इबादत से ही लिफ्ट पकड़ेंगे, मैंने कहा आप इल्म से ही लिफ्ट को पकड़ेंगे। क्यों कहा पता है? सुने मौला क्या फरमाते हैं, ये गरीब और नाचीज नहीं, इमाम के अल्फाजों को पकड़े। इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेंगी। मौला ने नहीं कहा कि इबादत वाली रूह, क्यों? कि इल्म के साथ जब आप इबादत करेंगे तो आपकी रूह को लिफ्ट का एड्रेस मिलेगा और आप लिफ्ट में बैठेंगे और उसी इल्म से आप एकदम से 6 से 12 के अंदर असल में वासिल हो जाएंगे। इसी दुनिया में रहते हुए आपको मरने की जरूरत भी नहीं है, आपको मरने की जरूरत नहीं है 12 पर पहुंचने के लिए। तो ये दो रास्ते इमाम ने हमको दिए हैं, और तीसरा रास्ता जो है उसकी तो हम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छा रास्ता नहीं है, वो जानवर का रास्ता है। हम यहां पर सिर्फ दो रास्तों की बात करते हैं, एक 50,000 साल की सीढ़ी जो 6 से 5 4 3 2 1 से होकर 12 पर पहुंचती है, और एक लिफ्ट की सीढ़ी जो 6 से 12 पर पहुंचती है, और उसका पूरा से पूरा से पूरा ताल्लुक आपकी अकल और हिकमत पर है, जिसने मजहब के अंदर इल्म के फरमान के साथ अकल और हिकमत से काम लिया तो वो इल्म से दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ते हुए इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर ही असल में वासिल हो जाएगा। ये बात थी उसके अंदर। बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल जी मौलाली मदद। I actually have a couple of queries. First of all, I just want to say that your lectures are fabulous, and it just hits like a hammer on the head. So thank you very much. Shukar alhamdulillah. I'm nothing. It is all imams. I mean. So I just want to. I think I may have missed the reference that you gave about 3 seconds. So do we have a reference for that? And the second question is there a difference between soul and the spirit? Because I was just listening to Abu Ali Missionary Wise, and he said that soul eventually dissolves because it's an astral body, and then it becomes spirit. So I wasn't sure about that difference between the soul and the spirit. Thank you. Yes. Thank you, Ali. So I hope you understand Urdu very well. So let me repeat your question to all our other listeners. तो अली भाई ने एक सवाल किया कि रूह क्या है और किस तरह से हम इस बात को समझें, जो 3 सेकंड की बात थी उसको हम किस तरह से समझें। ये सवाल अली भाई पूछ रहे हैं। एंड आई बिलीव अली भाई, आर यू इन कनाडा और आर यू इन यूएसए समवेयर? कैलिफोर्निया। ओके, सो लेकिन आप उर्दू समझते हैं ना अच्छी तरह से? यस, थैंक यू। तो सबसे पहले अली भाई, राइट आफ्टर दिस सेशन आई विल गेट विद कामड़िया साहब, सो यू कैन गिव मी योर कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड आई विल सेंड यू अ लेक्चर विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। एट द टाइम ऑफ डेथ, मरने का वक्त, इफ यू लिसन टू दैट इट विल एक्सप्लेन द 3 सेकंड्स टू यू। ठीक है, दूसरा सवाल। थैंक यू। यस, यू वेलकम। दूसरा सवाल, याद रखें कि हमारे मजहब के अंदर, हमारे तरीके के अंदर इल्म का जो ताल्लुक है वो स्टेप बाय स्टेप है। हमारे कुछ मिशनरीज और स्पेशली जब जमात खाने के अंदर वो कोई वाइस करते हैं जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप नहीं है, लाइक दिस वन टुडे, वेयर यू हैव अपॉर्चुनिटी टू एस्क क्वेश्चन एंड डिसॉल्व एनी इल कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से कभी कभार वो ऐसे अल्फाजों को यूज करते हैं
जिसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं होता है लेकिन फील गुड से उसका ताल्लुक होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन. इसका ताल्लुक लॉजिक से नहीं होता है, फील गुड से होता है. क्योंकि एक बात को समझाने के लिए हमको कोई बात यूज करनी पड़ती है, इसलिए वो ऐसे अल्फाजों को यूज करते हैं जो लॉजिकल नहीं होते हैं. मैं आपको एक आज रात की बात बताना यहाँ पर चाहता हूँ जो मैं अक्सर इन क्लासेस में नहीं बताता हूँ, उसके लिए दूसरी ग्रुप्स और दूसरी क्लासेस होते हैं. लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे मोमिनीन हैं कि जो आला इल्म के प्यासे हैं और तलबगार हैं, हमारी रूह की रूह क्या है, अगेन यू शुड बी सरप्राइज एंड जंपिंग राइट नाउ, हमारी रूह की रूह क्या है. हमारे जिस्म की रूह तो हमको पता है कि हमारी रूह जो आत्मा है वो हमारी रूह है, हमारी जिस्म की रूह. हमारी रूह की रूह क्या है, क्या कभी हमने सोचा? हालांकि ये बात हमको पता है लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी है. हमारी अक्ल हमारी रूह की रूह है. हमारी रूह की जो समझ है, हमारी रूह की जो ताकत है, हमारी रूह की जो एनर्जी है वो अक्ल से आती है. यानी कि हमारी रूह की जिंदगी अक्ल है. शायद वो ये समझाना चाह रहे थे इन डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन मैं यहां पर कोई पर्दा नहीं रखता हूं. आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर एंड लॉजिकल. जिस तरह से हमारे जिस्म से रूह निकल जाए तो हम मर जाते हैं, इस तरह से वो शख्स जिसके अंदर अक्ल नहीं है वो रूहन मरा हुआ है. नहीं, हमारी रूह कभी भी नहीं मरती है. हमारी रूह ओमनी प्रेजेंट है. हमारी रूह ओमनी प्रेजेंट है और मैं 100% कॉन्फिडेंस से ये कहता हूं, इल्म के रोशनी के अंदर ये कहता हूं. क्या कि रूह कभी नहीं मरती है? उसका क्या प्रूफ है मेरे पास? हमारी रूह इमाम की रूह से आई है. नौज़बिल्ला मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी रूह कभी मर जाएंगी? क्योंकि मेरी रूह इमाम की रूह से आई है और इमाम की रूह हमेशा दुनिया के अंदर और हमेशा हर जगह पर जिंदा हाजिर व मौजूद है. इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी और आपकी रूह कभी भी नहीं डिसॉल्व होगी, कभी भी नहीं मरेंगी, क्योंकि उसका असल मकाम इमाम की रूह है. ठीक है, वक्त लगता है कभी कभार, 50,000 साल की सीढ़ी पर चढ़ के हम पहुंचते हैं वहां पर, यहां हम एक ही जिंदगी में वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रूह कभी भी नहीं मरती है, कभी भी नहीं. अब एक और बात कि किस तरह हमको पता चले कि हम रूह और अक्ल की जो बात कर रहे हैं, यानी कि रूह सिफली और अक्ल गरीजी. तो आप आगा खान यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ओपनिंग कन्वोकेशन था, इफ यू डोंट हैव इट आई कैन शेयर द रेफरेंस विद यू, उसको पढ़ें कि किस तरह से वो अक्ल कुल हमेशा अक्ल गरीजी को सिखाता रहता है. और अक्ल गरीजी को किस तरह सिखाता है, कहां पर सिखाता है वो? रू इज लाइक ए बॉडी, अक्ल इज लाइक ए एस्ट्रल बॉडी ऑफ द सोल. कंपेयर टू सोल, अक्ल इज एस्ट्रल बॉडी. कंपेयर टू आवर फिजिकल बॉडी, आवर सोल इज एस्ट्रल बॉडी. सो व्हाट इज द इंजन बिहाइंड द सोल? रूह को क्या चीज चलाती है? अक्ल चलाती है. तो यहां पर मेरे ख्याल में दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ and I will share those references with you of 50,000 of the time of the death. And the if you don't have that lecture
of Imam at the university. I will share that with you also. Ji. Thank you, Aziz. By now it makes sense that when Akal and Rup becomes one, that's the time of manifestation. Yes. So thank you. Thank you. Thank you for asking. Both a wonderful question. Thank you. और कोई लाइन पर किसी को और सवाल? अगर नहीं तो यहाँ पर हमारा वक्त तमाम होता है. मौला के हुजूर में दुआ है कि मौला हम तमाम को तौफीक, ताहिद, हिम्मत व यारी इनायत फरमाए और हर हमेशा अपने मर्सी के अंदर, अपनी ब्लेसिंग के अंदर, अपनी रहमत के अंदर हमको रखे और हर हमेशा हमको इल्म के अंदर आगे से आगे से आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. याली मदद, याली मदद, बहुत नवाजिश. याली मदद, याली मदद.